हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरर। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। जिनके बारे में आप सोच के इस रीडिंग तक आए हो, पॉसिबल है कि इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पॉसिबल है। और ये जब आई जस्ट रीडिंग फॉर कि सो ऐसा है कि आपके बीच में ना एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या एक पैटर्न चल रहा है हमेशा से। लाइक ये आते हैं, इनका मतलब मिलना बहुत सही था, मतलब आपके लिए वो जो मोमेंट था सही था, लेकिन उसके बाद ही एक थर्ड टाइम की बात है ना, जैसे बदल गए, मतलब इतना अजीब सा चेंज हुआ ना इनका एक वक्त के बाद, या भी इनमें जो चेंज आया ना वो मतलब शॉकिंग था, बिलीव नहीं कर पाएंगे ऐसा वाला चेंज था। और हर बार वो ऐसे ही हो रहा है कि हो सकता है कि जैसे कुछ पैटर्न में लाइक 8 महीने में या फिर साल में वगैरह ऐसे ये आते हैं और अचानक से फिर चले जाते हैं, बट उस मोमेंट वो इतना स्ट्रांग होता है ना कि आपको उनको दिल से निकाल पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि जिस ना आप जाते हो उनको पूछने के लिए ये अनन्य सिचुएशन ख़त्म करो भाई, बट समा वो आपसे नहीं होता, इनसे दूर रहना आपसे नहीं होता, इनको ना कहना आपसे नहीं होता। ये अगर आज भी कुछ मांगे करे कि ये मदद चाहिए या फिर ये कर लो, मतलब आप अपना ना कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन नहीं कर पाते, ये दिक्कत है। पाइसेस साइन बहुत स्ट्रांग है इस एनर्जी में, और नंबर 7 मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। मुझे ना हॉर्स दिख रहा है, एक्शन, बट एक्शन में ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे मतलब घोड़ा रेडी है, घोड़ा रेडी है बट एक्शन नहीं ले रहा है। मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी नज़र आ रही है कि सोच है, गोल है लाइक इंसान के पास, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो। और हमेशा ऐसे ना कि ऐसा लग रहा है ना अनअनअप सिचुएशन ही चल रही है, कभी लगता है होगा, कभी लगता है नहीं होगा, कभी ये इंसान ऐसे बोलता है तो कभी वैसे बोलता है, और चीज़ें मतलब ऐसे बदलती हैं। स्पेशली ये इंसान का ऑन एंड ऑफ इतना है ना कि आप इस चीज़ से जैसे परेशान हो गए हो, और मुझे लगता है ना अभी काफ़ी टाइम से ना आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, आपने अपने आप को ना जैसे ना इतनी मुश्किलों के बावजूद या इतने सालों के बाद या इतने महीनों के बाद, पता नहीं क्यों कैसे, बट आपने अपने आप को स्ट्रांग कर लिया है। एक मूव ऑन की एनर्जी है आपकी तरफ से, क्योंकि आप मतलब ऐसे ना थक गए हो, इंतज़ार है वो सिर्फ अंदर ही है, मन में है, प्यार है वो भी अंदर ही है, दिल में है, लेकिन उसे अभी दिखाना या फिर उसके लिए रोना ये सब आपसे नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन से ये इंसान निकल गया है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी है ना, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है, ये कनेक्शन ही ऐसा है कि जैसे आप उनको भूलना चाहते हो या आप मौन की एनर्जी में जा रहे हो, ये इंसान आपको उतना ही बेदर्दी से याद कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने फील किया ना, घोड़ा है रेडी है बट उसका एक्शन जिस मोमेंट है ना वो नहीं है, और जब मोमेंट होगा तो वो वेरी फास्ट होगा,
एकदम अचानक से एकदम फिर दौड़ते दौड़ते वाली चीज़ है। मुझे इनकी तरफ से वो भागना नजर आ रहा है, लेकिन एक वक्त के बाद जैसे उस घोड़े को ना कुछ मतलब या तो मार खानी पड़ेगी या तो पता नहीं क्या मतलब कैसे वो ट्रिगर होगा, बट वो चीज़ दिख रही है कि यूनिवर्स एक्चुअली वो चीज़ कर रही है। ये जो रेडी हो रहे हैं ना इस आपकी तरफ आने के लिए, इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें से दिख रहा है कि इनमें ना एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ रहा है। जैसे आपका एक एनर्जी वाइज मतलब स्ट्रेंथ पाना, लाइक ना प्यार है वो अलग जगह है, लेकिन एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है आप में, वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, वो चीज़ ना उल्टा हो रहा है इनके तरफ है ना, वो चीज़ आपको आपकी तरफ खींच रहा है। ये दूर होने की कोशिश में बहुत ज़्यादा होते हैं, जानबूझ के अवॉइड करते हैं, जानबूझ के आपकी तरफ नहीं आ रहे, लेकिन ना नज़र रखते हैं प्रोफाइल में क्या चल रहा है, ये हो रहा है, वह सब कुछ है, लेकिन नज़र मतलब सामने नहीं आना चाहते, सामने नहीं आना चाहते। मतलब ये जो एक उनको ऐसा लगता है ना, लाइक उतनी हिम्मत भी नहीं है या फिर उतनी ताकत नहीं है ये सब झेलने की अभी, क्योंकि जिस तरह से आपका अभी ऑरा स्ट्रांग दिख रहा है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा एक डरा रहा है। टू वेरी आई एम स्केयर टू रीच आउट वाली फीलिंग आ रही है मुझे, कि डरा रहा है आपका ऑरा, कि पहले जैसा है आपको लाइक ना बातों में घुमाना, प्यार में घुमाना, लाइक ना कि बस आप वो एक उनके बस देखने से ही आप पिघल जाए, ऐसे एनर्जी में आप नहीं हो, बट डजेंट मीन कि आप उनसे प्यार नहीं करते, उनको पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और यही उस इंसान का प्लस पॉइंट है। उनको एग्जैक्टली पता है कि आप मतलब आप सच्चे दिल वाले इंसान हो, इसीलिए तो आपसे ज़्यादा डरते हैं, इसीलिए तो ज़्यादा डरते हैं। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अगर इन्होंने गलत किया है, जैसे विश्वास तोड़ना हो, अचानक से रिश्ता तोड़ना हो, ये अभी उनको ना बहुत ज़्यादा डरा रहा है कर्मा के हिसाब से। जस्टिस की एनर्जी नज़र आ रही है, जस्टिस की एनर्जी फील हो रही है। आपका जो यूनियन है ना, वो एक स्पिरिचुअल यूनियन होने का चांसेस है, इट्स नॉट जस्ट नॉर्मल, इट्स स्पिरिचुअल यूनियन। जब तक आप लोग की स्पिरिचुअल साइड मैच नहीं होती, कि आप समझ पाए कि स्पिरिचुअली आप लोग सोल से कितना कनेक्टेड हो, तब तक ये नहीं हो पाएगा। कुछ जगह पे है कि आप समझ चुके हो कि कितना डिफरेंट है ये कनेक्शन और सब कुछ है, यूनिक है, और यहाँ पे इनको अनजाने में सही, इनडायरेक्टली सही, एक हिंट पे हिंट तो मिल जाते हैं। इन्होंने आपसे ना भागने की हमेशा कोशिश की है, और अभी भी देख लो भागने की कोशिश है कि हो नहीं पाएगा, कैसे सामना करे आपका, फेस कैसे करे, वगैरह सब चीज़ होता है, लेकिन हो रहा है एग्जैक्टली उल्टा, हो रहा है एग्जैक्टली उल्टा, मतलब ये उल्टा खींचे चला रहे हैं। जे लेटर इनका हो सकता है, 4 नंबर इनका हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा है ना एक स्ट्रांग इंडिकेशन है, जैसे ना अगेन मुझे बार बार फील हो रहा है कि ये इन्होंने आपको ड्रीम्स में देखा है या आप उनको ड्रीम्स में देख रहे हैं, कुछ तो है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग टेलीपैथिक कम्युनिकेशन दिख रहा है, स्ट्रांग है, एकदम स्ट्रांग है ये, जैसे आपसे ना कनेक्ट होने के चाहते हैं कि कुछ कहना है, तुमसे कुछ कहना है, ये वाली चीज़ है। या तो इंसान खामोश दिख रहा है, या तो बहुत ज़्यादा लाइक एकदम ही ज़्यादा एकदम एक यूनियन की एनर्जी में दिख रहा है।
वी फॉर विक्ट्री इस कनेक्शन में काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रही है, और बार बार जो इमेजेस बन रहे हैं ना, वो जो कपल है एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, वैसे ही इमेज बन रहे हैं। इट्स वेरी पॉजिटिव साइन फॉर मी, और मुझे ऐसे लग रहा है इवन आपके आसपास है ना येलो कलर है, येलो येलो कलर की कोई चीज़ है आसपास है, और वो दिखाता है कि अबंडेंस है, ग्रोथ है, और खास करके एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपकी तरफ। इस एनर्जी में ऐसा फील हुआ ना कि आपको थोड़ा अपने आप को वक्त देना चाहिए, अपने आप को, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है ना, वो आपको यूनियन देगी, क्योंकि सिर्फ इनका आना ज़रूरी है, एक स्पिरिचुअली यूनियन होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको ना एक अधूरा सापन फील हो रहेगा हमेशा से, लाइक कुछ तो अधूरा है, या फिर इनका ये पैटर्न है ना वो चलता रहेगा। बॉटम डेक है एट ऑफ पेंटिकल, आपका स्टेबल होना, आपका इमोशंस ना जाहिर करना, एक से एनर्जी वाइज भी फील होता है कि आपकी तरफ से इमोशंस है और वो सब है, ऐसे उनको ये पता है कि आपसे आपके दिल में प्यार है, सब कुछ है, लेकिन एक एनर्जी एक्सचेंज भी हो रहा था टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के थ्रू, और समहाउ एक फील होता है कि ये इंसान एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, अभी वो फील नहीं हो रहा है, समहाउ आपने वो एनर्जी देना बंद किया, अपने वो एनर्जी देना बंद किया है, तो उसकी वजह से ना एक स्टेबिलिटी मिसिंग है उनको, अपना अपनी ज़िंदगी में ना फील हो रहा है कि अगर उनको ना स्टेबल होना है, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, वो आपसे ही मिलेगी, आपसे ही मिलेगी, बहुत लेकिन ना मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहे हैं, एक स्टैंड लेने की एनर्जी आपके लिए, क्योंकि अभी वो खुद भाग के ऐसा थक गए हैं, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हावी होते हैं, स्पेशली जो सबकॉन्शियस माइंड में है, रात के वक्त है, एक अजीब सा एक दर्द फील होता है, और खास करके गिल्ट फील होता है, हो सकता है कि ये मैरिड हो, या तो फिर मैरिज कमिटमेंट इशू है, अगेन बार बार फील हो रहा है, थर्ड पार्टी इशू है डेफिनेटली, लेकिन अभी ना मूव ऑन करने की एनर्जी है कि चलो जो भी है उससे मूव ऑन हो लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं ज़िंदगी में, कब तक ऐसे ही रहेंगे। जैसे मैंने फील किया था कि घोड़ा है वो रेडी है, लेकिन उसको एक्शन नहीं मिल रहा है, कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, वे मोमेंट लेना है, वो नहीं है, तो फाइनली नई शुरुआत होगी, और ये प्यार की शुरुआत होगी, सच्चे प्यार की ही होगी। सो जहाँ पे इनकी एनर्जी क्लियर नहीं है, ये जो कार्मिक साइकिल सिचुएशन या अपनी हैबिट्स में फंस जाते हैं ना, कि जो होगा देखा जाएगा, बस देखा जाएगा बाद में देखा जाएगा, सो आते हैं प्यार से बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं, वो वाली एनर्जी जब तक चलेगी ना, तब तक ये लूप में फंस रहेंगे। तो आप जैसे स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, स्ट्रेंथ में आते हैं, तो ये इनकी एनर्जी पे ट्रिगर पड़ता है कि ये ऐसा नहीं चलेगा। सो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि अपने लाइफ में बहुत बिजी है, चाहे जो भी फैमिली हो या कैसे भी हो, बट बिजी तो है, तो फिलहाल फाइनेंस ऐसी है, वो सब चीज़ का हज़ार चीज़ के मसले हैं, तो उसमें बिजी तो है, लेकिन एक नई शुरुआत चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि कुछ ना कुछ है जो आपकी तरफ खींचता है कि मैंने कुछ गलत किया है, वो पूरा करना है, क्योंकि लाइफ में हर जगह से ना अटके जैसे फीलिंग आ जाती है फिर। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।